ताया जी को जहर दे के मारने की कोशिश की थी ना आपने, ये बात ताया जी ने कल हमें बता दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं आंटी, ताया जी पुलिस में कंप्लेन भी करने वाले हैं। मुझे तो लगता है पुलिस कभी भी आगे गिरफ्तार करने वाली है आपको। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है मुझे लेकर, तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दिल से मुझसे नफरत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं ये सब दिल से कह रही हूँ, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। जी शहीद बुला रहे थे। हालिया, ऑपरेशन शुरू हो चुका है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 50-50 चांसेस, क्योंकि हेड इंजरी है और ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो चुका है, तो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, इट्स क्रिटिकल। तुम बस दुआ करो, बिकॉज दुआ में बहुत ताकत होती है। बाबा को मालूम है? उनको इतनी डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन उनको यह जरूर पता है कि ऑपरेशन क्रिटिकल है। हानिया, तुम कुछ देर के लिए घर क्यों नहीं चले जाती? हमजा वहां पे अकेला है, तुम चली जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, हमजा से मिल लो। नहीं, मैं ऑपरेशन के बाद ही जाऊंगी भाई। जनक भी से बात हुई थी मेरी, हमजा सो रहा है। ठीक है, कुछ खाने के लिए ले आओ। बस पानी ले आओ। हाँ, मिला था। जान की हालत ठीक नहीं, आप प्लीज उन्हें माफ कर दें और अल्लाह से दुआ करें, अगर आप उन्हें माफ कर देंगे ना तो अल्लाह भी उन्हें माफ कर देगा और उनको जिंदगी दे देगा। इस बात तो कब का माफ कर चुकी हूं शहजादी, अम्मी क्या हुआ है हाजिर भाई को? एक्सीडेंट हुआ है, काफी गहरी चोटें आई हैं, उनको नहीं पता कि वो बचेगा या नहीं। एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है बेचारे पे। बेचारा पागल हो गई है तू? उससे जो तेरी बहन का हशर किया है तू उसको फिर भी बेचारा कह रही है? तलाक देकर धक्के मारकर वापस भेजा है, वो कहां से बेचारा है? उसको तो अल्लाह सजा दे रहा है। सजा दे रहे? हाँ अम्मी, इससे कहीं ज्यादा बुरा तो आपने उन लोगों के साथ किया है। ताया अब्बू के सारे बच्चों को तितर बितर कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस हिसाब से तो सजा पहले आपको मिलनी चाहिए। जी किस बात की सजा मिलनी चाहिए? जिसने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए ना। तितर बितर मैंने नहीं किया, मिर्जे ने खुद किया अपने करतूत की वजह से। मैं थक गई हूँ सबको सफाइयां दे देकर, मुझे बता दे कोई मैंने क्या किया है। मेरे तो दिल चाहते मैं भोंपू लेकर मोहल्ले में चली जाऊं या मैं छत पे जाकर चिल्लाऊं। मैंने हानिया को धक्के मारकर भेजा था है?
मैंने ना अपनी नाजी की शादी करवाई थी आजर से, मैंने तलाक दिलवाई थी तेरा शहीर भी, मुझे बता ना, अगर वो चाहता तो वो शादी करवा देता ना तुझसे, सजा देनी है तो फिर मिर्जे को दे। अम्मी मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, अपनी गलतियां कबूल कर लें, माफी मांग लें सबसे, अभी तो नाजी सजा भुगत रही, सना हो कि हम सब लपेट में आ जाए। तू किस ख्वाबों की दुनिया में रह रही है नूरी, हम सब बर्बादी के लपेट में आ गए हैं, और मेरी वजह से नहीं, उस मिर्जे की वजह से। क्या हो गया, गुंगी पैरी हो गया, अभी मैंने सारा कुछ बोला है, सुना नहीं तूने? अम्मी आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आप ही उस कबूतर की तरह हो गई है जो अपनी आंखें बंद करके ये समझता है कि मैं बच गई। बस मैं मानती हूँ मैं बेचारी कबूतर हूँ, और मुझे जख्मी उस जंगली बिल्ले मिर्जे ने किया है, मेरा कोई हाल नहीं पूछ रहा। ऑपरेशन कामयाब रहा है, मगर मगर क्या डॉक्टर साहब? मगर पेशेंट की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है, हमने रिस्क लेके ऑपरेशन किया है, अब जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। होश कब तक आ जाना चाहिए डॉक्टर? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक। देख लेना डॉक्टर साहब, मेरा आजर 12 घंटे से पहले होश में आएगा मेरे रब के करम से। इंशाल्लाह आप अच्छी की उम्मीद रखें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अभी हम फिलहाल पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह मेरे आजर की जान बख्श दे मेरे मालिक, अभी उसका देखा ही क्या है, इसके बजाय मुझे बुला ले, मुझे बुला ले उसके बजाय मेरे मालिक। बाबा जान ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज ये मत करें। प्लीज हिम्मत करें, अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह आजर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे बेटा हिम्मत जवाब दे गई, हौसला खत्म हो चुका है। ये कैसी दीवान की आज, नफरत भी पुरजोर और मोहब्बत भी। अपनी जिंदगी से निकालने में तुमने जितनी जल्दी की, उतनी ही जल्दी अब तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो। अगर ऐसा भी क्या था कि तुमने अपनी जिंदगी ही दाव पे लगा दी। मैं 2 साल से तुम्हारी नफरत और बेरुखी बर्दाश्त कर रही और तुम 2 दिन ना कर सके। देखो आज एक बार फिर मेरी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू हैं। तुम मुझसे दूर थे मगर थे मेरे लिए, ये इत्मीनान ही काफी था। अब भी तुम्हें रहना है, अपने बेटे के लिए उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम इस तरह नहीं जा सकते आज़र, नहीं जा सकते। मैं समझती हूँ हानिया, तुमने लाख अपनी मोहब्बत को नफरत में छुपाने की कोशिश की, मगर तुम्हारी आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम अब भी आसर भाई से मोहब्बत करती हो। मैंने तो मोहब्बत करना सीखा ही आसर से, और ये मोहब्बत इतनी गहरी थी खत्म नहीं हो सकी। जानती हूँ, सब जानती हूँ। आसर ठीक तो हो जाएगा ना फातिमा? इंशाल्लाह जरूर, और अल्लाह की जात से मायूसी कुफर है। हानिया तुम घर चली जाओ, हमजा भी तुम्हारे बगैर परेशान हो रहा होगा। वैसे भी आसर भाई को आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया है, तो जो भी सूरत हाल है वो सुबह तक ही पता चलेगी। घर चली जाओ।
बाबा जान आपको घर जाना चाहिए, बहुत थक गए होंगे। अंकल सही ठीक कह रहे हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप सुबह आ जाइएगा। बेटा मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। बाबा जान यहाँ रुकने का फायदा नहीं है ना, भाई जान आईसीयू में है, उनसे हम में से कोई भी मिलने नहीं जा सकते। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई हम दोनों हैं यहाँ पे, आप बेफिक्र हो जाए। सही कह रहे हैं, भाभी सुबह से यहाँ है, हमजा वहाँ अकेला है। आप एक काम करें, भाभी को भी ले जाए और शहजीन को भी ले जाए। ऐसा करता हूँ मैं, आप लोगों को ड्रॉप कर लेता हूँ, वापस भी ले आऊंगा बाद। चलो जैसे तुम लोगों की मर्जी। आप कल आ जाइएगा, चाहे तो पूरा दिन गुजार लीजिएगा, लेकिन जाए नींद पूरी करें और फ्रेश होके आइएगा। ठीक शेजी हानिया को बुला लो। एक सेकेंड, क्या मैं भाईजान से मिल सकती हूँ? बस उन्हें देख लूंगी एक नजर। शेजीन बच्चे अभी इजाजत नहीं है, सुबह आना, हम सब मिलेंगे एक साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, मैं भाभी को बुला कर। या अल्लाह तू बड़ा कारसाज, बड़ा माफ करने वाला है। मेरे आज़र की जिंदगी बख्श, उसको सेहत अता फरमा मेरे मालिक। उसने बहुत दुख देखे, कोई खुशी नहीं देखी। असल कसूरवार तो मैं हूं, सारा किया धरा तो मेरा है मेरे मालिक। उसके बजाय मुझे उठा ले मेरे मालिक, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बख्श मेरे अल्लाह। तू रहीम है, तू करीम है, माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे। मेरे घर को फिर से खुशियों का गहवारा बना दे मेरे मालिक। बहुत गलती हो गई, माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे। मेरे अल्लाह हाजर से मेरे जितने इख्तलाफात से, जितनी रंजिशें से, वो अब तक मेरा शौहर। मैं इसके साथ नहीं मगर
मेरी सारी खुशियां उसी से वाबस्ता हैं। वो मेरे बच्चे का बाप है। अभी तो मेरे हमजा ने अपने बाप को देखा भी नहीं। उसे उसकी बहुत जरूरत है मेरे अल्लाह। है परवरदिगार, मेरे बच्चे के सर पे बाप का साया कायम रखना। या अल्लाह, आसर को जिंदगी दे दे, मैं उसकी सारी खताएं माफ करती हूँ। अल्लाह तू भी उसे माफ कर दे और एक बार फिर उसे जिंदगी की तरफ वापस ले आ। एक बार फिर उसे उसके अपनों के साथ हंसती मुस्कुराती जिंदगी दे दे मेरे अल्लाह। भाईजान को होश आए? पेशेंट को होश आ चुका है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं। पेशेंट अनकॉन्शियस है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मेडिकेशन आप दे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि पेशेंट की विल पावर बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। पेशेंट बिल्कुल फाइट नहीं कर रहा। इसका क्या हाल है डॉक्टर, क्या सोच रहे हैं आप लोग? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। अगर पेशेंट की विल पावर काम कर रही होती तो मेडिसिन का रिजल्ट पॉजिटिव आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल हम कुछ वेट करेंगे, उसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करेंगे। उसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अल्लाह ताला ने हाजिर के लिए जितनी सांसें लिखी हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। हिम्मत कर, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह दुआ कर। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पेशेंट मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तुम जानती हो ना कि जब तक पेशेंट खुद फाइट ना करे मेडिसिन असर नहीं करती हैं, और यही कुछ आसिफ भाई के साथ हो रहा है। उनकी बॉडी ट्रीटमेंट को कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रही है। अगर ऐसे ही रहा तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है और उसका वाहिद हल वेंटिलेटर होगा। वेंटिलेटर? बीबी जी, नाश्ता तैयार हो गया। हमजा सो रहा है अभी तक? जी। फातिमा, मेरे ख्याल से मैं आज हॉस्पिटल नहीं जा सकूंगी। दरअसल कल भी हमजा पूरा दिन घर पे अकेला था। बेटा आप परेशान क्यों होती हो? कल भी हमजा बाबा मेरे पास आराम से रह गए थे, बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। आज भी मेरे पास रह जाएंगे, आप जरा भी परेशान ना हो। मगर भाभी, जन्नत भी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमजा तो अक्सर रहता है ना इनके पास। हानिया, तुम्हारा हॉस्पिटल चलना जरूरी है, बात को समझो। अच्छा, बाबा आ रहे हैं, उनको ये बात नहीं पता चले। शजीन बेटा, तुम में से कौन कौन चलेगा हॉस्पिटल मेरे साथ? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हम सभी चलेंगे बाबा, लेकिन पहले आप नाश्ता कर लें। नहीं बेटा, मैं भूख बिल्कुल नहीं है इस वक्त। बाबा आपको पूरा दिन वहाँ पर रहना है, अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। चलो बेटा, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। फातिमा बेटा, हॉस्पिटल से कोई फोन आया, पता चला आजर को होश आया? अब मुकम्मल तौर पे होश नहीं आया, बस
थोड़ा होश आया। बेटा आजर मुकम्मल होश में कब आएगा? आ जाएगा बाबा, आहिस्ता आहिस्ता। चलो भाई, आपके लिए चाय निकाल दो। ये लीजिए। नूरी तुम भी आओ, मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। जी हाँ, बैठो ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नूरी, तुम इतना काम कर लेती हो घर का, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। भाभी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मेरा अपना ही घर है। वो सब तो ठीक है नूरी कि तुम घर के कामों में निशो का हाथ बटाती हो, लेकिन तुम थोड़ा बाहर जाना भी शुरू करो। हाँ बाहर निकलोगी, माइंड फ्रेश होगा, लाइफ में चेंज आएगा तुम्हारा। बल्कि काम करते हैं, आज रात को हम तीनों डिनर पे चलते हैं। जी नौशाबा का हाथ नहीं बटाती, सारा घर का काम खुद करती है, पूरा घर इसने संभाला हुआ है। नूरी जो कुछ करती है अपनी खुशी से करती है, अपनी मर्जी से करती है। अब आप इन दोनों के दरमियान भी कोई लड़ाई करवाना चाहती हैं? हाँ बेटा, क्योंकि मेरा तो और कोई काम नहीं है ना दुनिया में, बस फसाद हप्पे कुटनी हूँ ना मैं, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवाती हूँ। अब आप मुझे सुकून से नाश्ता करने देंगी या वो भी मैं बाहर जाके कर लूँ? नहीं, क्या हो गया है आंटी, आमिर को वैसे इतना कम टाइम मिलता है घर में, कम से कम नाश्ता तो सुकून से करने दे। आप भला बच्चे इतने गिले शिकवे। मैं शायद अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम भी किसे समझा रही हो निशो, उन्हें आज तक कभी समझ आई है? अम्मी आपको क्या लगता है, आपने जो फैसले आज तक किए हैं वो ठीक रहे हैं? नहीं, आप ही के फैसलों की वजह से आपकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अम्मी प्लीज, अम्मी थोड़ी समझने की कोशिश करें आप, सारी दुनिया गलत है, सारी दुनिया झूठी है, एक आप ही ठीक है। अम्मी क्या हो गया तुझे आमिर, इतना मत जाने, तुझे कोई अंदाजा है कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ? पहले नासिर थे, नासिर के बाद तू ही तो मेरा सहारा था, लेकिन तूने भी पल में गैर कर दिया। तू मुझे बता, मैं अपने दुख किसके साथ बांटू? अम्मी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी ना वक्त देखती हैं और ना मौका, जब होता है आप भाई से शिकवे शिकायतें लेकर बैठ जाती हैं। क्या आपने आज तक उनसे प्यार से बात की है? अगर आप अकेली हो गई हैं, तो भाई भी तो अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है नूरी, आमिर मुझे माफ कर दे। मियां मुझसे माफी मत मांगे, आप माँ है मेरी, मैं बेटा हूं आपका, मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला? लेकिन हाँ, अगर आप माफी मांगना चाहती हैं तो उनसे मांगे जिनकी आप गुनहगार हैं। ताया जी के बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, हमें उनकी बहू को तलाक हो गई। अगर आपने माफी मांगनी अम्मी तो खुदा से मांगे, और देखिएगा अम्मी अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, मेरी दोनों बहनों की जिंदगियां सही हो जाएंगी, उनकी अच्छी जगह रिश्ते हो जाएंगे। अम्मी प्लीज, अम्मी तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगी, बस मुझसे नाराज मत, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा। अरे आप रो क्यों रही हैं? आई एम सॉरी, आपको मेरी बात बुरी लगी है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन प्लीज आप ऐसे रोया मत करें। देखें आप जानती हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बड़ी ड्रामेबाज है बड़ी भी, मगर इनके ड्रामे का ड्रॉप सीन मैं ही करूंगी। पानी दो। ठंडा बस 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 एक बात का बच्चा है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा बेटा मुझसे मत्सर। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं आप प्लीज गलत समझ रही हैं मुझे, देखिए नहीं होगा ना ऐसा। जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। वैसे कर ठीक है, आज हमारे साथ चलेंगी आप पानी पे। हाँ चल ये पानी दो।
ठंडा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ठंडा लेके आओगे। शहीर, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा होश आया हाजर को? मामाजान होश आ गया है, मगर अभी नींद बेहोशी की कैफियत है। क्या मतलब? डॉक्टर तो कह रहे थे ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ है और 12 घंटे के अंदर अंदर उसे होश आ जाएगा। अंकल एक्चुअली एकदम से होश नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा होश। अरे भाई डॉक्टर को बुलाओ, उससे पूछो मेरे बच्चा कब नॉर्मल होगा। रमजान आप परेशान मत हो, अभी डॉक्टर आते हैं तो हम पूछ लेंगे। भाई मैं परेशान नहीं हो रहा, डॉक्टर से मेरी मुलाकात कराओ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। जी जी बाबा जान, हम पूछ लेंगे, आप वेटिंग एरिया में चल के बैठे आराम से। अरे भाई मैं कहीं नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है? I'm sorry. क्या? क्या मतलब है? मतलब ये कि पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को फॉर्म साइन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो बता रहे थे कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है और 12 घंटे के अंदर अंदर उसको होश आ जाएगा। जी जी बिल्कुल ऑपरेशन कामयाब हुआ है, लेकिन पेशेंट पे कोई भी मेडिसिन मुस्बत असर नहीं कर रही, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन मजीद खराब हो रही बजाय बेहतर होने के। इनफैक्ट पेशेंट के अंदर शायद जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है, इसी वजह से वो अपने मर्ज से लड़ने की ताकत बिल्कुल खो चुका है। हाय मेरा बच्चा। देखें आप लोग फॉर्म पे जल्दी साइन कर दे ताकि हम जल्द से जल्द पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल सकें। डॉक्टर वेंटिलेटर पे लगाने से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाएगा ना? देखें वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी चांसेस 50-50 के ही होते हैं, लेकिन आप लोग दुआ कीजिए, दुआ में बड़ी ताकत होती है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बाबा प्लीज चल के पेपर साइन कर दीजिए। नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे शहीर। बेटा बेटा तुम जाओ साइन कर दो, अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह, तुम जाओ। आज़र कितने दिन से दरवाजा बंद किया हुआ है, मुझे आने क्यों नहीं दे रहे? एक बार दरवाजा खोल दो, एक बार खोल देना। इतने दिनों से मैं बाहर बैठी हुई हूँ, अंदर क्यों नहीं आने देते? ते वो तेरा फिर आके दरवाजा। कितनी दफा समझाइए, तेरा घर नहीं है, चल मेरे साथ। ये मेरा घर है, छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं इस घर को। मैं थक गई हूँ तेरे ड्रामों से, मेरे साथ चल। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मुझे भी निकालना चाहती है ना, जैसे आपने हानिया को इस घर से निकाला, शहीर को इस घर से निकाल दिया, तायबू को इस घर से निकाल दिया, मुझे निकालना चाहती। हाँ मैं दुनिया की सबसे भयानक माँ हूँ, समझ आई तुझे? अभी तू चुप करके मेरे साथ चली। मैं नहीं जाऊंगी। तू चलेगी तेरे बड़े जाऊंगी। चल मेरे साथ, बड़े भी चलेगी। क्या ये नाजी की हालत नहीं देखी आपने? आराम से बात करें, मेरी बस सो गई है, चू चू पू चू करके मैं बात कर ली, सुन नहीं रही। झूठ बोल रही है ना, मेरा घर है नूरी, मुझे बात नहीं है, बताओ। क्या हो गया है आपको? इसकी हालत तो देखे, पहले ही होश में नहीं है ये। एक बार आज़र से कहो मेरी बात। मैं कहूँगी नाजी। सुनो एक बार ये दरवाजा खुलवा दो। इसको लेकर आ, मैं कर सकती। मैं तुम्हें कह रही हूं, मैं तुम्हें खुद लेकर आऊंगी। अच्छा दरवाजा, अच्छा अच्छा एक बार दरवाजा खुलवा, नूरी तू खुलवा दे। क्या हुआ, अब कैसी हालत है भाई की? हो जाएंगे ठीक इंशाल्लाह,
अभी तो वेन पे डाला है, थोड़ा सब्र करो। मैं जानती हूँ कि वेंटिलेटर पे कब और क्यों डाला जाता है, लेकिन हमारे भाईजान तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक हो जाएंगे ना शही? यही तो मसला है, भाईजान ने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जीना ही नहीं चाहते। नहीं शही, उन्हें जीना होगा, हमारे लिए, हमजा के लिए और शहीर प्लीज संभालो खुद को, और अंकल के सामने इस तरह की बातें मत करना। बाबा जान किधर है? मस्जिद में। शहीर क्या हम भाईजान से मिल सकते हैं? बस एक नजर उन्हें देख सकते हैं। अभी नहीं है परमिशन, अभी नहीं जा सकते। आवाज के धागों से खामोशी। शीजी बैठो। सब ठीक हो जाएगा शहीर, इंशाल्लाह। आमिर, भाईजान को वेंटिलेटर पे डाल दिया है। क्या? अच्छा, तुम हौसला रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तुम बता देना घर में सबको ना, चची जान को भी बता देना, और कहना कि कुछ गलती हो गई हो भाईजान से तो माफ कर दे। मैं बता देता हूँ। ठीक है, तुम हौसला रखना। नाजिर, अम्मी से देख देख के ठंडी आहें लेने के बजाय इसका इलाज करवाए। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, इसको किसके पास लेकर जाऊं, किस अस्पताल में जाऊं, मुझे कोई मालूमात नहीं है। और एक आमिर है, बीवी से फुर्सत मिले तो हमें अस्पताल लेकर जाए। बहुत हैरत की बात है अम्मी कि आपको मालूमात नहीं है, आपने तो इतने बड़े बड़े काम करवा लिए, झूठी रिपोर्टें, झूठे चेकअप, इतनी सी बात की मालूमात नहीं है आपको? बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे ताने ही मिलने चाहिए, मैं इसी काबिल हूं। जितने पापड़ बेले तुम दोनों की खुशियों के लिए, इल्जाम सहे, बातें सुनी, कोई बात नहीं, दे दे ताने। अम्मी, अगर आप यही सारे काम सही तरीके से करती तो आज हम दोनों का ये हाल नहीं होता।
अच्छी तरह से जानती है सही तरीके से वो काम नहीं होने थे। तुम दोनों आजर और शहीद के पीछे पागल हुए मैं और वो तुम दोनों के काबू में नहीं आ रहे थे। मैं और क्या करती तो हमें बिठाती और प्यार से समझाती सही बात बताती ना, उल्टा आपने हमें सिर्फ गलत चीजें बताई गलत समझाया खुद ही तबाही की तरफ धकेल दिया आपने हम दोनों को। आंटी आपका फोन कहाँ है? आमिर आपको कब से कॉल कर रहे हैं? फोन की क्या जरूरत, पड़ा होगा कहीं। आज आमिर को बीवी के बजाय माँ की याद कैसे आई है? आजर भाई हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पे डाल दिया है। आमिर बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे बस उनके लिए दुआ करें। मैं नहीं दुआ करूंगी, मेरी बच्ची का हाल ये हुआ है, मैं नहीं दुआ करूंगी। Thank you.